नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी के कस्टडी रिमांड के तीसरे दिन सोमवार को भी ईडी पूछताछ करेगी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की भी गिरफ्तारी हुई है। जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। ईडी के दफ्तर में लगातार ऑफिसर अब्बास अंसारी से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान अब्बास अंसारी की हेकड़ी निकल गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी के सवालों का जवाब माकूल नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक की पूछताछ में अब्बास अंसारी के नाना की कंपनी से उसके बैंक खातों में लाखों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। ईडी ने पूछा है कि 10 लाख रुपए कैश उसके खाते में किस व्यक्ति ने और क्यों जमा किए। इस बात का अब्बास अंसारी का कोई प्रमाणिक जवाब नहीं दे सके हैं। आरोप है कि मुख्तार के परिवार ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर धन उगाही की है। मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज एंटरप्राइजेज है। मुख्तार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन है, जिसमें उसके दोनों साले हिस्सेदार थे। दोनों कंपनियों के बीच लाखों का लेन देन भी हुआ है। ईडी को पता चला है कि मऊ और गाजीपुर में अब्बास के नाम से 10 बैंक खाते हैं। दोनों बैंक खातों में लाखों रुपए जमा कराए गए हैं। ईडी लगभग हर खाते की डिटेल पता कर लगा चुकी है। हर ट्रांजैक्शन को लेकर अब्बास अंसारी से पूछताछ की जा रही है। लेनदेन के बारे में अब्बास को जानकारी है, लेकिन वह इसकी जानकारी ईडी को नहीं दे पा रहे हैं। मऊ और गाजीपुर भी ले जा सकती है ईडी। एक रिपोर्ट्स के अनुसार अगर मैं बताऊं तो पहले ही बताया गया था कि बैंक कर्मियों से खाते की जानकारी जुटाई गई है। ईडी ने किराए पर बिल्डिंग लेने वाले एफसीआई के अधिकारियों और बैंक कर्मियों को भी समन भेजकर बयान के लिए बुलाया है। उनसे भी पूछताछ और आमना सामना कराया है। दफ्तर में पूछताछ के बाद मऊ, गाजीपुर व अन्य जगहों पर भी अब्बास अंसारी को ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी बुला सकती है। फिलहाल 12 नवम्बर को दोपहर 2 बजे तक अब्बास अंसारी को अदालत में ईडी को पेश करना है। इस दौरान अगर पूछताछ पूरी नहीं हुई तो अदालत से दोबारा कस्टडी रिमांड की मांग ईडी कर सकती है, जिसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी की जो मुश्किलें और हेकड़ी है वो कहीं ना कहीं निकलती नजर आ रही है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।